तेलंगाना गिरिजन रणशंकर राव नाम से जो जनसभा हम करने वाले थे 23 अप्रैल निजाम कॉलेज ग्राउंड्स में, इसके लिए सेवालाल संदेश यात्रा के रथ पर हम लोग पिछले 24 दिनों से ये जो आदिवासियों के तांडा वाड़ा गांव में मंडल्स में भी हम लोग प्रचार किए, वहाँ लोगों की स्थिति हम जानकारी लिए, लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं वो सब देखते हुए हम यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा को देखकर जो आदिवासी लोगों में जो आज ये सरकार के लिए जो ओपिनियन है उसको देखकर जल्दी में केसीआर गवर्नमेंट एक कबायली लोगों का एक बिल लेके आए और माइनॉरिटीज के लिए भी एक बिल लेके आए। 3 साल पहले ही ये काम करना था, ये 3 साल पहले काम नहीं किए, ट्राइबल्स को बहुत ही अन्याय हुआ 3 साल में, और ट्राइबल्स जो है पिछले इलेक्शन में केसीआर के झूठे वादों को और जो है गलतियों को समझ नहीं पाए और इस सरकार के साथ दिए, सरकार के साथ देने पर भी आज केसीआर जो है हुकूमत में, केसीआर की हुकूमत में आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग, पिछड़ा हुआ वर्ग, माइनॉरिटी लोग भी बहुत परेशान है। इस परेशानी को दूर करने के लिए केसीआर का सरकार कुछ काम तो कर नहीं रही है, लेकिन केवल झूठे वादे मक्कार बातें करते हुए आज तेलंगाना के लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे आदिवासी लोग आज जो मीटिंग कर रहे थे निजाम कॉलेज ग्राउंड्स में कल, उस मीटिंग को परमिशन भी नहीं सरकार ने नहीं दिया, इसलिए हमने इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए अगले महीने करने के लिए हम तय किया है। अभी फिलहाल इस मीटिंग को पोस्टपोन हम कर रहे हैं और आदिवासियों को जो आने वाला रिजर्वेशन मिलने वाला है 9% 3-4 जो हमारा हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट भी डायरेक्शन दिया, लेकिन केसीआर का सरकार वो डायरेक्शन को भी नहीं मानकर केवल कुछ चंद दूसरी जातियों को मिलाकर आदिवासियों को मिलने का हक को रोक दिया। इसके लिए आदिवासी बहुत ही जो है इन सरकार से नाराज़ है, समय पर इसको सही जवाब देने के लिए तैयार है। तेलंगाना गिरिजन रणशंकर राव नाम से जो जनसभा हम करने वाले थे 23 अप्रैल निजाम कॉलेज ग्राउंड्स में, इसके लिए सेवालाल संदेश यात्रा के रथ पर हम लोग पिछले 24 दिनों से ये जो आदिवासियों के तांडा वाड़ा गांव में मंडल्स में भी हम लोग प्रचार किए, वहाँ लोगों की स्थिति हम जानकारी लिए, लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं वो सब देखते हुए हम यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा को देखकर जो आदिवासी लोगों में जो आज ये सरकार के लिए जो ओपिनियन है उसको देखकर जल्दी में केसीआर गवर्नमेंट एक कबायली लोगों का एक बिल लेके आए और माइनॉरिटीज के लिए भी एक बिल लेके आए। 3 साल पहले ही ये काम करना था, ये 3 साल पहले काम नहीं किए, ट्राइबल्स को बहुत ही अन्याय हुआ 3 साल में, और ट्राइबल्स जो है पिछले इलेक्शन में केसीआर के झूठे वादों को और जो है गलतियों को समझ नहीं पाए और इस सरकार के साथ दिए, सरकार के साथ देने पर भी आज केसीआर जो है हुकूमत में, केसीआर की हुकूमत में आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग, पिछड़ा हुआ वर्ग, माइनॉरिटी लोग भी बहुत परेशान है। इस परेशानी को दूर करने के लिए केसीआर का सरकार कुछ काम तो कर नहीं रही है, लेकिन केवल झूठे वादे मक्कार बातें करते हुए आज तेलंगाना के लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे आदिवासी लोग आज जो मीटिंग कर रहे थे निजाम का